आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण जी ने एक संकल्प लिया कि तेलंगाना को बचाना है तो एक जनचेतना यात्रा निकालना है। एक बहुत अच्छा संकल्प लेकर लक्ष्मण जी ने पिछले 14 दिन यानी समापन आपके ही क्षेत्र में लगाया है और इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित मैं सभी भारतीय जनता पार्टी अधिकारीगणों को प्रणाम करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में है। और जैसे अभी अभी इस मंच के माध्यम से बहुत ही अच्छे शब्दों में इस क्षेत्र के विधायक मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री जी के बारे में बताया गया, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जैसे भारत देश में मोदी जी ने एक नारा लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और आपको भी एक नारा लेना है कि टीआरएस मुक्त तेलंगाना, ये नारा लेकर हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ आपको कैसा नेता चाहिए ये डिसाइड आपको ही करना है, क्योंकि जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और ये परिवर्तन के लिए आप सबसे निवेदन है कि संगठित होकर एक ईमानदार नेता को चुने, बेमान नेताओं की छुट्टी करें। इतना कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।